हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूं स्लिप्ड डिस्क से बचने के उपाय। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, स्लिप्ड डिस्क कोई बीमारी नहीं है, ये शरीर की मशीनरी में तकनीकी खराबी है। वास्तव में डिस्क स्लिप नहीं होती है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ बाहर को आ जाती है। चूंकि डिस्क का बाहरी हिस्सा एक मजबूत झिल्ली से बना होता है और बीच में तरल जेली नुमा पदार्थ होता है, डिस्क में मौजूद जेली या कुशन जैसा हिस्सा कनेक्टिव टिश्यूज के सर्कल से बाहर की ओर निकल आता है और आगे बढ़ा हुआ हिस्सा स्पाइन कॉर्ड पर दबाव बनाता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ यह तरल पदार्थ सूखने लगता है या फिर अचानक झटके या दबाव से झिल्ली फट जाती है या कमजोर हो जाती है, तो जेलीनुमा पदार्थ निकलकर नसों पर दबाव बनाने लगता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द या सुन्न होने की समस्या होती है। भारत में 20% से ज्यादा लोग स्लिप्ड डिस्क से जूझ रहे हैं। गलत पोजीशन भी इसका आम कारण है। लेटकर या झुककर पढ़ना या काम करना तथा ज्यादा देर कंप्यूटर के आगे बैठे रहना भी इसका कारण है। अनियमित दिनचर्या, अचानक झुकने, वजन उठाने, झटका लगने, गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से दर्द हो सकता है। सुस्त जीवन शैली, शारीरिक गतिविधियां कम होने, व्यायाम या पैदल न चलने से भी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। अत्यधिक थकान से भी स्पाइन पर जोर पड़ता है और एक सीमा के बाद समस्या शुरू हो जाती है। अत्यधिक शारीरिक श्रम, गिरने, फिसलने, दुर्घटना में चोट लगने, देर तक ड्राइविंग करने से भी डिस्क पर प्रभाव पड़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और इससे डिस्क पर जोर पड़ने लगता है। स्लिप्ड डिस्क होने के खास कारण इस प्रकार हैं: कमर की हड्डियों या रीढ़ की हड्डी में जन्मजात विकृति या संक्रमण, पैरों में कोई जन्मजात खराबी या बाद में कोई विकार पैदा होना। आमतौर पर 30 से 50 वर्ष की आयु में कमर के निचले हिस्से में स्लिप्ड डिस्क की समस्या हो सकती है। 40 से 60 वर्ष की आयु तक गर्दन के पास सर्वाइकल वर्टिब्रा में समस्या होती है। अब 20 से 25 वर्ष के युवाओं में भी स्लिप्ड डिस्क के लक्षण तेजी से देखे जा रहे हैं। देर तक बैठकर कार्य करने के अलावा स्पीड में बाइक चलाने या सीट बेल्ट बांधे बिना ड्राइविंग करने से भी यह समस्या बढ़ रही है, क्योंकि अचानक ब्रेक लगाने से शरीर को झटका लगता है और डिस्क को चोट लग सकती है। स्लिप्ड डिस्क होने के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं: नसों पर दबाव के कारण कमर दर्द, पैरों में दर्द या पैरों, एड़ी या पैर की उंगलियों का सुन्न होना, पैर के अंगूठे या पंजे में कमजोरी, स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दबाव पड़ने से कई बार हिप या थाइज के आसपास सुन्न महसूस करना, समस्या बढ़ने पर यूरिन स्टूल पास करने में परेशानी, रीढ़ के निचले हिस्से में असहनीय दर्द, चलने फिरने, झुकने या सामान्य काम करने में भी दर्द का अनुभव, झुकने या खांसने पर शरीर में करंट सा अनुभव होना। अब आइए जानते हैं स्लिप्ड डिस्क के उपचार के बारे में। दर्द की निरंतरता एक्सरे या MRI, लक्षणों और शारीरिक जांच के माध्यम से डॉक्टर को पता चलता है कि कमर या पीठ दर्द का सही कारण क्या है और क्या यह स्लिप्ड डिस्क है। जांच के दौरान स्पैंडलाइटिस, डीजनरेशन, ट्यूमर, मेटास्टेज जैसे लक्षण भी पता लग सकते हैं और कई बार एक्सरे से सही कारणों का पता नहीं चल पाता है। सीटी स्कैन, MRI या माइलोग्राफी यानी स्पाइनल कॉर्ड कैनाल में एक इंजेक्शन के जरिए से सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इससे पता लग सकता है कि
या किस तरह का दर्द है। यह डॉक्टर ही बता सकता है कि मरीज को किस जांच की आवश्यकता है। जरूरी है कि जांच 100% सही हो। आमतौर पर डॉक्टर्स MRI 2 बार कराते हैं ताकि जांच रिपोर्ट सही आ सके। कई बार स्लिप्ड डिस्क के लक्षण साफ साफ नहीं उभरते और कुछ अन्य बीमारियों के लक्षण भी ऐसे ही हो सकते हैं। इसीलिए आप बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी इलाज शुरू ना कराएं। स्लिप्ड डिस्क के ज्यादातर मरीजों को आराम करने और फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाती है। इसमें 2 से 3 हफ्ते तक पूरा आराम करना चाहिए तथा दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह पर दर्द निवारक दवाएं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाने वाली दवाएं या कभी कभी एस्ट्रॉइड्स भी दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी भी दर्द कम होने के बाद ही कराई जाती है तथा अधिकतर मामलों में सर्जरी के बिना भी समस्या हल हो जाती है। संक्षेप में इलाज की प्रक्रिया इस तरह है। दर्द निवारक दवाओं के माध्यम से रोगी को आराम देना तथा कम से कम 2 से 3 हफ्ते का बेड रेस्ट देना और दर्द कम होने के बाद फिजियोथेरेपी या किरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देना तथा कुछ मामलों में एस्ट्रॉइड्स के जरिए आराम पहुंचाने की कोशिश की जाती है। यदि परंपरागत तरीकों से आराम न पहुंचे तो सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन सर्जरी होगी या नहीं, यह निर्णय पूरी तरह विशेषज्ञ का होता है। ऑर्थोपेडिक्स और न्यूरो विभाग के विशेषज्ञ जांच के बाद सर्जरी का निर्णय लेते हैं और यह निर्णय तब लिया जाता है जब स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव बढ़ने लगे और मरीज का दर्द इतना बढ़ जाए कि उसे चलने, खड़े होने, बैठने या अन्य सामान्य कार्य करने में असहनीय परेशानी का सामना करना पड़े। तब ऐसी स्थिति में इमरजेंसी माना जाता है और ऐसे में पेशेंट को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके बाद जरा से भी देरी पक्षाघात का कारण बन सकती है। स्लिप्ड डिस्क के रोगी को ये सलाह है, जांच और MRI रिपोर्ट सही हो तो स्लिप्ड डिस्क की सर्जरी आमतौर पर सफल रहती है। हालांकि कभी कभी अपवाद भी संभव है। अगर समस्या L4 यानी स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में मौजूद में हो और सर्जन L5 खोल दे तो डिस्क मिलेगी ही नहीं, फिर लिहाजा सर्जरी विफल होगी। हालांकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन कुछ गलतियां कभी कभार हो सकती हैं। सर्जरी के बाद रोगी को कम से कम 15 से 20 दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ता है। इसके बाद कमर की कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है और ध्यान रहे कि इसे किसी कुशल फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही कराएं। शुरुआत में हल्की एक्सरसाइज होती है, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाती है। मरीज को हार्ड बेड पर सोना चाहिए। मांसपेशियों को पूरा आराम मिलने तक आगे झुककर कोई काम करने से बचना चाहिए तथा सर्जरी के बाद भी आपकी जीवन शैली सही रहे, यह बहुत जरूरी है। आपका वजन नियंत्रित रहे तथा आगे झुककर काम न करें और भारी वजन न उठाएं। लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें और कमर पर आघात या झटके से बचें। स्लिप्ड डिस्क से बचने के लिए आप अपनी जीवन शैली बदलें। इसके लिए नियमित 3 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलें। हर व्यक्ति के लिए यह सर्वोत्तम व्यायाम है। आप देर तक स्टूल या कुर्सी पर झुककर न बैठें और अगर डेस्क जॉब करते हैं तो ध्यान रखें कि कुर्सी आरामदेह हो और इसमें कमर को पूरा सपोर्ट मिले। शारीरिक श्रम मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन इतना भी परिश्रम न करें कि शरीर को आघात पहुंचे। आप बहुत देर तक न तो एक ही पोजीशन में खड़े रहें और न ही एक स्थिति में बैठे रहें। आप किसी भी सामान को उठाने या रखने में जल्दीबाजी न करें। पानी से भरी बाल्टी उठाने, अलमारियां, मेज खिसकाने, भारी सूटकेस उठाते समय सावधानी बरतें। आप ये सारे कार्य इत्मीनान से करें और हड़बड़ी न बरतें। अगर आपको भारी सामान उठाना पड़े तो उसे उठाने के बजाय धकेल कर दूसरे स्थान पर ले जाने की कोशिश करें। हाई हील्स और फ्लैट चप्पलों से बचें। हाई हील्स से कमर पर दबाव पड़ता है तथा साथ ही पूरी तरह फ्लैट चप्पलें भी पैरों के आर्च को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है।
आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय विशेष सावधानी रखें। जब भी बैठें, कुर्सी पर सही पोजीशन में बैठें तथा कभी एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर ना बैठें। जमीन से कोई सामान उठाना हो तो झुके नहीं, बल्कि किसी छोटे स्टूल पर बैठें या घुटनों के बल नीचे बैठें और सामान उठाएं। आप अपने वजन नियंत्रित रखें, क्योंकि वजन बढ़ने और खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी बढ़ने से रीढ़ की हड्डी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक मुलायम और सख्त गद्दे पर न सोएं। स्प्रिंगदार गद्दों या ढीले नवाड़ वाले पलंग पर सोने से बचें। पीठ के बल सोते हैं तो कमर के नीचे एक टॉवेल फोल्ड करके रखें, इससे आपके रीढ़ को सपोर्ट मिलेगा। कभी भी अधिक मोटा तकिया सिर के नीचे न रखें, सिर्फ साधारण और सिर को हल्की सी ऊंचाई देता तकिया ही बेहतर होता है। मॉल्स में शॉपिंग के दौरान या किसी इवेंट या आयोजन में अधिक देर तक एक ही स्थिति में न खड़े रहें, और आप बीच बीच में अपनी स्थिति बदलें। अगर देर तक खड़े होकर काम करना पड़े तो एक पैर को दूसरे पैर से 6 इंच ऊपर किसी छोटे स्टूल पर रखना चाहिए। कभी भी अचानक झटके के साथ न उठें न बैठें। देर तक ड्राइविंग करनी हो तो गर्दन और पेट के लिए कुशन रखें। ड्राइविंग सीट को कुछ आगे की ओर रखें ताकि आपके पेट सीधी रहे। आप दाएं बाएं या पीछे देखने के लिए गर्दन को ज्यादा घुमाने के बजाय शरीर को घुमाएं। आप कभी भी पेट के बल या उल्टे होकर ना सोएं। आप कमर झुकाकर काम ना करें। अपनी पीठ को हमेशा सीधा रखें। बैठने का तरीका पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होता है। एक आंकड़ों के अनुसार 32% लोग औसतन 10 घंटे लगातार ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। इनमें से आधे लोग ऐसे भी हैं जो लंच ब्रेक में भी सीट नहीं छोड़ पाते। ऐसे लोगों को कमर दर्द अधिक घेरता है, और 2/3 लोग घर में भी इतने लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स स्लिप्ड डिस्क से बचने के उपाय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।